लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली होनी है, जिसको देखते हुए सैंडिस कंपाउंड में विशाल पंडाल और मंच का निर्माण किया गया है। वहीं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और पंडाल के आसपास की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जहां भागलपुर SSP आनंद कुमार, SDM धनंजय कुमार और CTDSP अजय कुमार चौधरी समेत कई पदाधिकारियों ने पंडाल निर्माण और सुरक्षा का जायजा लिया, वहीं सुरक्षा में किसी प्रकार से कोई चूक नहीं रह जाए इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वरीय पदाधिकारी और CRPF की टीम ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। इधर भागलपुर विधायक सह लोकसभा प्रत्याशी अजीत शर्मा भी अपने महागठबंधन के सहयोगियों के साथ सभा स्थल पर तैयारी का जायजा लेने पहुंचे, जहां सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय और स्थानीय एजेंसी के पदाधिकारियों से जरूरी बिंदुओं पर चर्चा की। बता दें कि शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और BIP प्रमुख मुकेश सहनी भी महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में सैंडिस कंपाउंड में सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इधर सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार कई तरह के दिशा निर्देश भी कांग्रेस एवं महागठबंधन के नेताओं को दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पुख्ता तरीके से बैरिकेडिंग और मंच एवं पंडाल में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित किया गया है। इधर SSP ने कहा कि राहुल गांधी की सभा को ध्यान में रखते हुए सभा स्थल का निरीक्षण किया गया है और प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी हर स्तर पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की गई है, जिससे सभा के दौरान किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था या परेशानी उत्पन्न नहीं हो। मानक है उसको हम लोग देख रहे हैं और एक चीज़ के अनुसार पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि जो पब्लिक मीटिंग है वो सुगमतापूर्वक हो और प्रोटेक्ट करके। सर, पार्किंग को लेकर भी कुछ व्यवस्था की गई है कि शहर के बीच में व्यवस्था की गई है? फ्रेंडिस कंपाउंड में भी पार्किंग की व्यवस्था है और अड्डा के सामने भी शहर के बीच में सभा है सर, रूट भी डाइवर्ट क्या कुछ किया जाएगा क्योंकि कई सारी गाड़ियां रहेगी सर? तो कम समय के लिए जब आगमन होगा प्रस्थान होगा तो 5-5 मिनट के लिए रूट को थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट करेंगे और उसकी सूचना भी आज हम लोग न्यूज़ पेपर के माध्यम से पब्लिश कर देंगे ताकि जो आम जनता है उनको कोई परेशानी ना हो। भागलपुर से लोकसभा प्रत्याशी अजीत शर्मा ने शनिवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैंडिस कंपाउंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के आगमन की जानकारी दी। अजीत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसियां एवं पुलिस भी सक्रिय है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भागलपुर की जनता ने पूरी तरह से बदलाव का मन बना लिया है और 26 अप्रैल को भागलपुर में होने वाले मतदान में निवर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ेगा। महागठबंधन प्रत्याशी ने कहा कि 35 वर्षों के बाद भागलपुर से कांग्रेस और महागठबंधन की जीत होगी और भागलपुर विधायक रहते हुए उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उसका फायदा उन्हें एवं उनके गठबंधन को लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। साथ ही अपने प्रतिद्वंदी NDA प्रत्याशी और मोदी सरकार की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भागलपुर का हर क्षेत्र एवं हर स्तर पर विकास करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। दो दिन पहले तक सूचना थी आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे भागलपुर जिला में आ रहे हैं, बड़े गौरव की बात थी, लेकिन 3 घंटे पहले ये सूचना आई कि उस मंच से आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी भी जो हमारे महागठबंधन के पार्टियां हैं वो लोग भी उस मंच में साझा करेंगे। ये पूरे भागलपुर जिला के सभी भाई बहनों के लिए, जनता के लिए और मेरे लिए भी गौरव की बात है। एक मंच पे महागठबंधन के जो आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं, और आपको बता देते सहनी जी आए हैं, क्या उत्साह है लोगों में। तो उसी के लिए मैंने कहा कि मैं PC करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाऊं और ये बता दूं जो प्रचार हम आज
एक बजे तक कर रहे थे कि सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी सैंडिस कंपाउंड में जनता को संबोधित करेंगे, सूचना आई कि नहीं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी, आदरणीय मुकेश सहनी भी साथ में मंच को साझा करके करेंगे और ये संदेश भागलपुर से पूरे देश में जाएगा, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और सब लोग एक मन से जनता को संबोधित करेंगे। ये भागलपुर की जनता के लिए, मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने की बात है। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर स्थित सिटी एसपी कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी एसपी राज ने नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली टोला में हुए निरंजन यादव हत्याकांड का उद्भेदन किया है। सिटी एसपी ने बताया कि भागलपुर पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त राजीव रंजन उर्फ लड्डू शाह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ नाथनगर थाने में कई मामला दर्ज है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान स्वर्गीय राधा रमन शाह के पुत्र राजीव रंजन उर्फ लड्डू शाह के रूप में हुई है। सिटी एसपी ने बताया कि 17 अप्रैल को नाथनगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में चौकी नियामतपुर निवासी नुनुमनी यादव के पुत्र निरंजन यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर एसएसपी के निर्देश अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी निगरानी और सिटी डीएसपी टू राकेश कुमार के नेतृत्व में नाथनगर पुलिस टीम को यह सफलता मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 24 घंटे के भीतर भागलपुर पुलिस ने राजीव रंजन उर्फ लड्डू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सिटी एसपी राज ने बताया है कि मृतक निरंजन का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट का मामला थाने में दर्ज है। 17 अप्रैल को रात्रि करीब 8 बजे निरंजन यादव की हत्या हुई थी। इस मामले का सफल उद्भेदन 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसके साथ साथ अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर ली गई है। इस संबंध में 193 नाथनगर थाना कांड संख्या 24 दर्ज किया गया था। एसएसपी सर के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई थी और जिसमें डीएसपी सिटी टू और थानाध्यक्ष नाथनगर और अन्य अधिकारीगण इसमें टीम में शामिल थे। टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया है और इस संबंध में जो मुख्य अभियुक्त था इसमें, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसका नाम है राजीव रंजन उर्फ लड्डू शाह, पिता स्वर्गीय राधा रमन शाह, जो कि नाथनगर के ही रहने वाला है। इसके ऊपर से 2015 में भी एक मंदिर से संबंधित एक केस दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ अन्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है, जो अभी तक की जो हम लोग अनुसंधान में जो कारण निकल के आया है इसमें जो ये बताया गया है कि चूंकि जो मृतक है वो पूर्व से तकरीबन 5 से 6 कांड में अभियुक्त रहे हैं, गंभीर कांड जैसे रंगदारी और हत्या का, तो ये अभियुक्त का इनके द्वारा इनसे जो है पैसे का विवाद था, लगातार पैसे की इनसे जो है मांग की जाती थी, तो इस संबंध में जो है इनके द्वारा 2-3 इसमें जो है अन्य दूसरे जिला को भी जो है इसमें अभियुक्त को मिलाकर इसमें इनके पुत्र इसमें शामिल है। इस घटना में एक गिरोह बनाया गया और इन्होंने प्लानिंग की तकरीबन 1 वीक पहले और इस प्लानिंग के साथ जो है इसको मारा गया है गोली मार के। इस संबंध में इस पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और अन्य अभियुक्त जो भी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के बिसोनी गंगापुर गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां नगर परिषद सुल्तानगंज के वार्ड 23 स्थित गांव में एक घर में चूल्हे से निकली चिंगारी से आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के 13 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व वार्ड पार्षद मनोज यादव ने तुरंत घटना की सूचना सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिस की मदद से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार इस घटना में 14 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। ग्रामीणों का अनुमान है कि आग में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। अचानक आग लग गया, लोग उधर से पश्चिम तरफ से आग लगा, लगभग सब मिला करके 14 घर जल गया और क्या कहते हैं सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया, बिजली का तार देखिए कटा हुआ है, टीवी गिर जाता, हम लोग लाइन कटवाए, बड़ी मुश्किल से अग्निशमन गाड़ी भी छोटी वाला आया थाना से, तब आग पर काबू पाया गया। लेकिन लगभग 14 आदमी जो अलग अलग परिवार रहते थे, जिसमें लक्ष्मी यादव का 4 पुत्र अलग रहते थे, पुलकित यादव का 4 पुत्र, रघुनंदन यादव का 3 पुत्र, उधर जुमदली अली का
चार पुत्र सब अलग अलग रहते थे, तो सब मिला करके 14 घर जल करके सुहा हो गया। रहना खाना बिछावन मतलब खाट चौकी जो भी था, खाली जान बचा है सबका, बाकी सब कुछ जल गया। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग लाखों का। और हम जिला प्रशासन से, यहाँ के प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को तत्काल राहत किया जाए, उपलब्ध कराया जाए।